कि कश्मीर के हालात पे मैं चर्चा करूं। दैट इज द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। हमें अपने आपको हमारे सहयोगियों ने जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, देखिए डिविएट मत होइए, उस पर भी अपना पूरा समर्थन देता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रिवायत से हटकर इस हाउस में जो आपने रिवायत कायम की है कि क्वेश्चन आवर हमेशा चलेगा और कभी क्वेश्चन आवर कैंसिल करके कोई दूसरी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने भी पूरी अपोजिशन की मांग, मैं खाली अपनी पार्टी नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन की जो मांग थी कि क्वेश्चन आवर को आज के दिन छोड़कर कश्मीर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, कश्मीर में जो हालात हैं उन पर बहस होनी चाहिए, उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं गृह मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तो टाल मटोल कर रहे थे इस बहस को आगे ले जाने के लिए, और शायद इंतजार कर रहे थे ये दो तीन दिन में हाउस खत्म हो जाएगा तो उसके साथ ये मसला भी दबेगा, लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से और अपने विपक्ष के साथियों की तरफ से आपको भी बहुत बधाई देता हूं कि आप कल सदन में आए और आपने कहा कि बिल्कुल बहस होगी और आप तैयार हैं, उसके लिए मैं आपकी बधाई। सर, शायद ये मुझे जहां तक याद है कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही एक महीने के सेशन में चौथी दफा ये आज चर्चा इस पे हो रही है। एक तो 18 जुलाई 2016 को शॉर्ट ड्यूरेशन मैंने नोटिस दिया था और हमारे सभी साथियों ने उस पर बात की और इजहार अफसोस किया। उसके बाद 8 अगस्त 9 अगस्त को भी जीरो आवर में कल पूरा घंटा इस पर चर्चा हुई और सभी विपक्ष के साथियों ने, जितने लीडर्स हैं उन्होंने इस पर चर्चा की, और आज चौथी दफ़ा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें फिर मौका दिया पूरा इस मुद्दे को दिन भर के लिए इस पर चर्चा करने के। सर, इससे पहले इस हाउस में भी और उस दूसरे हाउस में भी कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई और जो हमारे दलित भाइयों के साथ जो पिछले कुछ महीनों के से उनको वो कहर भुगतना पड़ रहा है, जो अकलियत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है पिछले 2 साल से, उस पर भी दोनों सदनों में चर्चा हुई और इन 6 मुद्दे पे उस हाउस में या इस हाउस में, चाहे कश्मीर के मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो, हमने मांग की थी कि वजीर आजम, इस देश के प्राइम मिनिस्टर खुद आए, कहीं बाहर से आना नहीं है, अमेरिका से नहीं आना, बरतानिया अफ्रीका से नहीं आना है। मैं बहुत खुश हुआ था जब वजीर आजम पहली दफा इस पार्लियामेंट हाउस में आए थे, शायद अपनी पार्टी की मीटिंग के लिए, तो उन्होंने सर नमन किया था इस सदन के कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का मंदिर है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम हमेशा सुबह 10 बजे अपने कमरे में, जो पार्लियामेंट का कमरा है उसमें आते हैं, मैं रोज उनकी गाड़ियां देखता हूं, और 6 बजे तक बराबर बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी रूलिंग पार्टी का या विपक्ष का सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शाम तक अपने कमरे में रहता हो, प्रधानमंत्री जी रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इतने नजदीक भी होकर सबसे ज्यादा दूर है पार्लियामेंट के, उनके कमरे से लोकसभा में कुछ सेकंड्स लगते हैं,
और उनके कमरे में राज्यसभा के लिए पौना मिनट या डेढ़ एक मिनट लगता, तो एक मिनट की दूरी और कुछ सेकंडों की जो नजदीकियां हैं वो मुझे लगता है कई हजार किलोमीटर की दूरियों से भी ज्यादा दूर। हम यहां चर्चा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल गृह मंत्री ने कहा कि मैं मीटिंग में था अपने कमरे में, लेकिन यहां आपको खड़ा होते देखा कश्मीर के बदते में और बहस हो रही थी तो मैं मीटिंग छोड़कर आया कि क्या हो रहा। तो ये प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स होता था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और यही रिस्पॉन्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, और यही रिस्पॉन्स अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी होता था। वो अगर पार्लियामेंट के कमरे में अपने होते थे तो अगर हाउस में कोई बहस तेज हो रही थी, हो रही हो, तो प्रधानमंत्री जल्दी फौरन आते थे। लेकिन हम दलितों के बारे में जब चर्चा हुई तो हमने इस हाउस में वजीर आजम को नहीं देखा, उस दूसरे हाउस में नहीं देखा, बल्कि तेलंगाना से उनकी तकरीर सुनी कि वो दलितों को क्या कहना चाहते हैं या दलितों के बारे में जो लोग उनको तंग करते हैं उनके बारे में। सर, इस हाउस में जैसे मैंने कहा कि ये चौथी दफा हम आज चर्चा कर रहे हैं, हमने बार बार कहा कि वजीर आजम को ही आना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति, ये राजधानी कब तब्दील हो गई, कैपिटल मध्य प्रदेश का कब बन गया हिंदुस्तान का, और पार्लियामेंट वहां कब से खुला है, लोकसभा और राज्यसभा, जहां से वजीर आजम इस देश के कश्मीर को एड्रेस करते हैं। प्लीज, मैं कोई गाली नहीं दे रहा, प्लीज प्लीज, कोई प्लीज 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, नो नो प्लीज प्लीज डोंट, मैं प्लीज सुनिए, नो नो डोंट टेक अप प्रेजेंट टाइम, मैं मर्यादा please. भी समझता हूं, मैं मर्यादा भी बैठ समझता हूं, बैठ जाइए, और प्राइम मिनिस्टर प्लीज प्लीज, कोई मध्य प्रदेश डेरोगेटरी वर्ड नहीं है और पार्लियामेंट और राजधानी वहां खुलना कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर की इज्जत भी करता हूं और उनके बड़े इज्जत से हमेशा नाम लेता हूं, लेकिन अगर शब्द भी आप नहीं सुनेंगे तो फिर ये पार्लियामेंट तो बंद करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है कि आपको उस पर आपत्ति होगी। प्राइम मिनिस्टर आप फिक्र मत करिए, वो अपने कमरे में पूरी कार्रवाई दोनों सदनों की सुनते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, इतना वो जरूर करते हैं, वो उनको सब मालूम है क्या हो रहा है। तो ये अफसोस होता है, और उस पे जख्मों पे नमक छिड़कने की बात कल हुई जब हम चौथी दफा इस हाउस में मांग कर रहे हैं कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए। कल वो कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कुछ बोलना चाहिए, तो उसका मतलब है कि पेपरों में तो यही आया है कि चीफ मिनिस्टर ने बताया, तो तब तो उसका मतलब हुआ कि हम जो ये सब अपोजिशन के लोग सदन में बोल रहे थे, इस सदन की कोई कीमत नहीं है, इन अपोजिशन की कोई कीमत नहीं है, उनका चीफ मिनिस्टर कहेगा तो तब वो बोलेंगे। और दूसरी बात, उसका मतलब है कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं कहते तो आज भी नहीं बोलते, ये दो मतलब है एक ही चीज के। भाई इतनी नाराजगी भी क्या है, अब अफ्रीका में कोई घटना होती है तो आप ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है वहां कई घटना होती है, बहुत अच्छी बात है इंसानियत के नाते अगर वहां कहीं मैसेकर वहां के मिलिटेंट करते हैं तो अच्छी बात है, हाँ, एक स्टेटमेंट आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्यों नहीं, बल्कि सब लोगों की तरफ से आना चाहिए। इंसानियत का कहीं भी कत्ल होता है दुनिया में, हत्या होती है कहीं दुनिया में, तो उसमें अपनी सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन वजीर आजम वहां सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अपना जो मैंने कल भी बताया था कि अपने मुल्क का ताज जल रहा है उसकी गर्मी सर को भी नहीं महसूस होती है, दिल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सर को तो गर्मी महसूस होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बहुत खूबसूरत, हाँ मैं पहले ही कह चुका हूँ बहुत खूबसूरत है कश्मीर, लेकिन मैं ये भी कह चुका हूँ कि कश्मीर को कश्मीर की खूबसूरती के लिए प्यार मत करो, कश्मीर को उन फूलों और वादियों और हवा के लिए प्यार मत करो, कश्मीर को उन पहाड़ी और दरियाओं के लिए और झरनों के लिए प्यार मत करो जो उनके लिए कश्मीर बनाया गया है। वो चाहे आज से पहले हिंदू थे, वो मुसलमान थे, बुद्धिस्ट थे, जिस पे हिंदू ने भी राज किया, मुसलमानों ने भी राज किया, बुद्धिस्ट ने भी राज किया, सिखों ने भी राज किया, महाराजाओं ने राज किया, शायद हिंदुस्तान में एक हमारी एक ही मिसाल होगी कि जो उस कड़ी जो 5000 साल की थी और डेमोक्रेसी में भी ये उसको आज हमारे बुजुर्ग यहाँ जिनका हम बहुत आदर करते हैं यहाँ मौजूद, तो पंजाब 5000 बरस का जो इतिहास है, तारीख है कश्मीर की, उसमें सब लोगों ने हुकूमत की, सब मजहबों के लोगों ने हुकूमत की, उससे तो प्यार है, लेकिन उनके लोगों से, उसमें बसने वाले लोगों से तो कोई प्यार करे, उन लोगों से, उन बच्चों से भी तो प्यार करे जिनकी आंखें चली गई, उन बहनों से, उन बेटियों बहु बेटियों से भी तो कोई प्यार करे। अगर व्हाट्सएप दिखें तो उनके चेहरे, छोटी छोटी बच्चियों, नौजवान बच्चों के चेहरे, एक एक 400-400, 300-300 उनके छरे पैलेट गन्स के लगे, उन बूढ़ों के देखे। मैं मानता हूं कि मिलिटेंसी का मुकाबला हम सबको करना चाहिए, हम सब मिलिटेंसी का शिकार हुए, जो कश्मीर में रहते हैं वो हिंदू हों या मुसलमान, मुझसे लेकर सब लोग उस मिलिटेंसी का शिकार हुए, और मिलिटेंसी का भी हम ही ने मुकाबला किया। कभी कभी हमारे लोग यहां साथी उस तरफ के बीजेपी बड़े होते हैं, आप तो शायद स्टेटमेंट देते हैं हम लोगों ने तो अपने नियर्स एंड डियर्स खोए, लेकिन आप तो वोट के लिए, देश के लिए स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन हम फिजिकली उनसे लड़ते रहे, हम तो लड़ते रहे हैं कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ। आप मिनिस्टर हैं, आप बैठिए, आप पेट्रोलियम डिपार्टमेंट चलाइए, आप करिए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा, और ये भी आखिरी आग लगा के जा रहे हैं आप, जब से आपके कदम पड़े आग लग गई वहां। भैया बैठ जाइए प्लीज प्लीज। अरे जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग निकल आती है। मैं जाना नहीं चाहता था उस रास्ते पे, वजह नहीं बताना चाहता था आज की, मत मजबूर कीजिए मुझे वो बात कहने के लिए जिसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि आज वो मौका नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर आज एक सेंसिटिव स्थिति में है, और इसलिए आवश्यकता यह है कि ये सदन उसके संबंध में जहां तक संभव हो एक आवाज में बोले। तो मैं भाई सुन लीजिए बात, नो प्लीज सिट डाउन, प्लीज अलाउ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक। इसलिए कई ऐसे विषय ऐतिहासिक दृष्टि से हैं जहां हमारे मतभेद आपस में रहे हैं, लेकिन आज वो उपयुक्त समय नहीं है कि हम उन विषयों को लेकर इस बहस को किसी और दिशा में ले जाएं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष से और बाकी सब सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जहां तक संभव हो please. बहस का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम मद्देनजर रखें। आज जो लोग भी बोल रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेस के मित्रों से मेरा कहना है, आपका वक्त आएगा, आप सारी बात अपनी तरफ से रख सकते हैं, नेता विपक्ष जो है वो रख रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुने। yes. हमारा कश्मीर के मामले में लोगों की दो राय नहीं है, एक राय है, लेकिन बीच में कोई बात कहता है उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को सुनने का काम करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू, प्लीज रिज्यूम, प्लीज प्लीज सर, लेट अस प्रोसीड। मैं लीडर ऑफ हाउस और होम मिनिस्टर की कदर करता हूं, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आज इसको
उन पुरानी चीज़ों को, हम भी पुरानी चीज़ें उठाएंगे, 1947 में आपका क्या रोल रहा, हमारा क्या रोल रहा, फिर वो हम हट जाएंगे। मेरा निवेदन है कि जो अनपार्लियामेंट्री चीज़ें नहीं हैं उन पर आपको क्या तकलीफ होती है। बाहर हम अपोजिशन में हैं, आप चाहते हैं हम भी सरकार की जबान बोलें तो फिर तो हमको घर बैठना चाहिए। हमको अपोजिशन को, अपोजिशन की भाषा, जब आप थे यहाँ लीडर ऑफ हाउस थे, हम सुनते थे। तो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को तो उतनी सूझबूझ है, वो सुनते हैं, लेकिन एमपीज, लेकिन ना मिनिस्टर, वो नए मिनिस्टर हैं ना, पहली दफा मिनिस्टर हैं। जो पुराने मिनिस्टर हैं उनको, पुराने मिनिस्टर इधर वाले उधर वाले उनको मालूम है किस सीमा में रहता, नए नए मिनिस्टरों को पता नहीं होता। प्लीज प्रोसीड। नाम सिकंदर रखने से बख्त सिकंदर हो न सका, वो तो इसलिए जो वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को हमने आगे चलाना, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमेशा बहुत कदर करता रहा, और बहुत अरसे तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और वो विपक्ष के नेता थे, तो बहुत एक काम करने का मौका मिला। कुछ चीज़ें थी जो अटल जी के ही मुंह से अच्छी लगती थी, वो सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जो इनके मुंह से अच्छी लगेंगी शायद वो मेरे मुंह से नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें इंसान का करेक्टर भी उसी ढांचे का होना चाहिए। तो वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, वो उनसे मुंह से अच्छी लगती थी। मैं ये नहीं कहता कि उस कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नाते कश्मीर का कितना हल निकला, वो उसमें नहीं जाता, लेकिन कई चीज़ों पे वो कीनियत करते थे, इंसानियत पर भी, जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर। लेकिन जब दूसरे लोग बोलते हैं जो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं रखते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। और यही तो आज हमारी लड़ाई कश्मीर में, कि जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत, कश्मीरियत क्या है? सूफीज्म, सब हिंदू, कश्मीर में कुछ हो सकता, अलहदगी पसंद हो सकते हैं, अलहदा देश बनाने की बात करने वाले हैं, लेकिन कम्युनलिज्म नहीं है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म की नारे हैं, लेकिन आपको हर मुसलमान के घर में, वो ठीक है मिलिटेंट्स ने भगाया कश्मीरी भाइयों को, लेकिन मिलिटेंट्स मुसलमानों को कौन सा छोड़ रहे हैं? अब देखें कितने मारे हैं, उसमें 95% तो मुसलमान मारे हैं। तो मिलिटेंट का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, मिलिटेंट वो कश्मीर का मिलिटेंट हो, पंजाब का मिलिटेंट हो, वो किसी दुनिया के किसी आईएसआईएस का मिलिटेंट हो, उसका कोई मजहब नहीं। आतंकवादी हो, आतंक का काम है आतंक कर, लेकिन कश्मीर जो है वो फिरका परस नहीं है, सेकुलर है। तो आज वही कश्मीरियत और इंसानियत का जो खात्मा किया है या जा रहा है, दैट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू डेमोक्रेसी बट थ्रू द बैरल ऑफ द गन इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट गन्स। तो आज जमहूरियत का, इंसानियत का और कश्मीरियत का कत्ल हो रहा है, यही तो हम कहते हैं कि इसका हल निकालें, सब मिलके निकालें। आप बैठे ने, हम बैठे ने, ये पहली दफा नहीं, मैं परसों भी कह चुका हूं, 1947 में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से ये चल रहा है, कई दफा हुआ, मेरे वक्त में भी हुआ। अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो मेरे वक्त में 5 लोग मारे गए थे, फिर पीडीपी ने विड्रॉ सपोर्ट की, उसके बाद भी 2 महीने चला, क्योंकि जम्मू लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को
के खिलाफ कश्मीर कश्मीरी वहाँ पीओ की तरफ चलने लगे, फिर फायरिंग हुई, फिर 55 लोग मरे, लेकिन तब तक मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मेरे अपने वक्त में भी मैंने इसको झेला। जब हमारी और फारूक साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हुआ। तो आज हम कश्मीर पे किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो मेरे वक्त की हो, फारूक साहब के वक्त की हो, उमर साहब के वक्त की हो, मुफ्ती साहब के वक्त की हो, महबूबा जी की वक्त की हो, ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, और जम्मू कश्मीर में भी माफ कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में खाली कश्मीर पुलिस नहीं करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कश्मीर पुलिस करती, बाकी हिंदुस्तान के हिस्से में लोकल पुलिस करती। यहां जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है पिछले 20-22 साल से, 25-26 साल से, 30 साल से, वहां दोनों मिलके करते हैं। तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश और राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर नहीं। वहां की जम्मू कश्मीर की स्टेट के पास कोई भी किसी की गवर्नमेंट हो, उतने रिसोर्सेज नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, हमारे रिसोर्सेज ना होने के बराबर। तो ये अगर कोई कह दे यहां से कि महबूबा मुफ्ती को सुलझाना चाहिए, माफ कीजिए, आई थिंक यू आर आस्किंग हर फॉर टू मच। ये उसके बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं था, उमर साहब फारूक साहब के बस का नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास मैन पावर नहीं, हमारे पास इतने सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, और सिक्योरिटी फोर्सेज रेज करने के लिए हमारी रिसोर्सेज नहीं। तो हमेशा कश्मीर को आज से, जब 47 में भी अक्टूबर में डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते थे, कबायली आए थे, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही तरफ तो रुझान करना पड़ा था, यहीं से अगर फोर्सेज नहीं पहुंच जाते तो क्या हो जाता। तो हम निर्भर हैं, और क्यों नहीं निर्भर होंगे, कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आप सुबह शाम कहते हैं जम्मू कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, बट इंटेग्रल पार्ट शुड नॉट बी ऑन द पेपर ओनली, इंटेग्रल पार्ट शुड बी, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट्स। सो व्हाट वी आर आस्किंग फॉर दैट, यस गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट्स between the people of the Kashmir and the people of the people of India? What about the integration between the government and federal government and the state government? There has to be some coherence, there has to be some integration, there has to be some love and affection, there should be some pain, agony, that we are not feeling. Agar hota to yahan 32 din ke baad statement, wo bhi Madhya Pradesh se nahi aata, is sadan ke andar se aana chahiye. ये दर्द यहां से निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकलता। ये यहां से जब दिस दिल से जब दर्द निकलेगा तो इसकी आवाज कश्मीर तक पहुंचेगी। जब तक हम जबान से कहेंगे तो ये यहां के चार दीवारी में गायब हो जाएगी। माननीय चेयरमैन साहब, हमने कुछ कदम उठाए थे, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो कंक्लूजन पे पहुंचे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक से मुझे खुशी है कि मैं चीफ मिनिस्टर था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होम मिनिस्टर थे, तो हम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सदारत जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 25 फरवरी 2006 को नई दिल्ली में हुई, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हुई श्रीनगर में 24 और 25 मई 2006 को, और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली 24 अप्रैल 2007। मुझे खुशी है कि हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी CPIM हो, CPI हो, और पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम हो, कम समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, रीजनल एथनिक ग्रुप्स, चाहे वो लद्दाख के हों, कारगिल के हों, कश्मीरी पंडित्स की तीन ऑर्गेनाइजेशंस हो, पनून कश्मीर,
और दूसरा कश्मीरी पंडित समिति, ये सब थे, गुजर रिप्रेजेंटेटिव्स, बकरवाल रिप्रेजेंटेटिव्स, पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव्स, शुरूकास रिप्रेजेंटेटिव्स, सिख्स रिप्रेजेंटेटिव्स, डोगरा सभा जम्मू कश्मीर, ये तमाम इतने तकरीबन 60-65 के करीब लोग एक सिर्फ हुर्रियत ने नहीं माना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बाकी हुज हु ऑफ जम्मू कश्मीर, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, एथनिक ग्रुप्स हों, तीनों रीजन ने इनमें शमूलियत बड़ी अच्छी तरह से की। और उस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद था, 5 वर्किंग ग्रुप बने थे, और सबसे पहला वर्किंग ग्रुप, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और हमारे चेयरमैन हैं राज्यसभा के जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, आप चेयरमैन थे उस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन के, चेयरमैन भी थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसमें कई चीज़ें सिफारिशात आई, कई लागू हुई हैं, और मुझे ये कहते एक चीज़ तो यहाँ इस सदन के लिए विडोज के लिए जो था मिलिटेंसी विडोज, उनको अलग से तो हम नहीं दे पाए, लेकिन जो आम विडोज को पैसा मिलता है वो उस विडोज को भी दिया गया। कश्मीरी पंडितों के बारे में यहाँ चर्चा होती है, मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम निकाली और हमने पैसा दिया, और वो मेरे वक्त में ही जम्मू में 5,242 फ्लैट बने, 100% ऑक्युपेंसी है, और कश्मीर में भी हमने एम्प्लॉयज़ के लिए काजीकुंड में 225 फ्लैट, शेखपुरा बडगाम में 200, पुलवामा में 60, कुपवारा में 60, बारामूला में 125, फिर कश्मीरी पंडितों के लिए 300 स्पेशल स्टेट से हमने नौकरियां उन्हीं के लिए की, उसमें 1750 लोग लग गए तभी, और वही इन ट्रांजिट कैंप में कश्मीर में रहते हैं, 900 और बाद में निकाला गया था उनके लिए एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो कोर्ट में चले गए आपस में कश्मीरी पंडित भाई। इसी तरह से हमारा दूसरा जो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसका एमके रसगोत्रा दे फॉरेन सेक्रेटरी तब पुराने, स्ट्रेंथनिंग रिलेशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें बहुत काम हुआ। वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, 25 अप्रैल को मुजफ्फरआबाद के लिए उड़ी से रोड सर्विस शुरू की, सब्सिक्वेंटली मेरे वक्त में पुंछ और चिकंदाबाग से सर्विस शुरू की, और इन दोनों जगहों से ट्रेड शुरू हो गया, इसको भी इम्प्लीमेंट हमने किया। तीसरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पर सी रंगाराजन जी उसके चेयरमैन थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, उसमें भी रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, वज़ीर आज़म ने 22 टूरिज्म अथॉरिटीज़ दी, वो तब मुकम्मल हो गई हैं। वैली के अंदर तमाम रेलवे लाइन बिछाई गई। मुझे याद है कि 3 या 4 दफ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ जाने का मुझे मौका मिला, बल्कि जम्मू प्रोविंस का भी एक हिस्सा बनिहाल तक, बारामूला से बनिहाल तक पूरी वादी और जम्मू का कुछ हिस्सा तक वहाँ तक रेल सर्विस शुरू की। इसी तरह से इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के बारे में तो बहुत सारे कदम अगर मैं कहूँगा तो शायद यहाँ आधा घंटा लगेगा। और मेरे पास एक रिपोर्ट जो बहुत सेंसिटिव है और जिस पे सब पूरे सदन को, सब पार्टीज को काम करना होगा, वो किसी एक पार्टी के बस का नहीं है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये तमाम चीज़ें, ये इसकी रिपोर्ट इसके जो चेयरमैन थे वो लेट जस्टिस सगीर अहमद थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। उन्होंने, क्योंकि जितना कम्प्लेक्स था ये सब्जेक्ट उतना ही इसमें समय लगा, वो जाके 2009-10 में रिपोर्ट आई, तब तक तो यूपीए 2 भी बनी थी, मैं भी वहाँ से आया, उसमें अभी कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरह के
मेरे कहने का मतलब है कि इकदाम उठाए, लेकिन यूपीए 2 में एक बहुत बड़ा काम हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में, जिसको हमने बड़ा फॉलो अप किया कश्मीर के लिए। उम्मीद, ये खाली उम्मीद जो स्कीम है उम्मीद बनाई इसका, उम्मीद आशा, ये फॉर वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, इसमें बहुत काम हुआ है। उड़ान, उड़ान में जॉब्स फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत काम हुआ है। जयराम रमेश जी इसको मॉनिटर करते थे एज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। हिमायत, जॉब्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स, इसमें बहुत काम हुआ है। जेकेईडी, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके लिए बहुत काम हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुए हैं, जिनको कईयों को लागू किया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कश्मीर बड़ा कम्प्लेक्स है मामला है, यहाँ पॉलिटिक्स नंबर एक पहले नंबर पे आती है, इकोनॉमिक्स दूसरे नंबर पे आती है, एम्प्लॉयमेंट और ये भी उसके दूसरे तीसरे नंबर पे आती है। जहाँ हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करेंगे, जहाँ हम सड़कों और रोड्स की बात करेंगे और बिजली और पानी की बात करेंगे, वहाँ तक अगर हम वहाँ की पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल गलत रास्ते से जाना। तो इसलिए आज का जो हमारी मांग की मंशा थी, मेरी पार्टी की हो या मेरे साथियों की हो, यही थी कि कश्मीर 32-33 दिन से आज कर्फ्यू है, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग जख्मी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हों चाहे वो सिविलियंस हों। हमें जहां सिविलियंस के मरने का और सिविलियंस के जख्मी होने का, चाहे वो बच्चे हों, बहु बेटियां हों, औरतें हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, उन पर बहुत दुख और अफसोस है। उतना ही अफसोस हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो J&K पुलिस के हों, वो CRPF के हों, आखिरकार वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो उनको जो काम दिया गया है वो काम करते हैं। अब कहीं वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देते हैं तो उस लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने पर फिर उनकी निंदा भी होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है। ये ठीक है कि पब्लिक का, सिविलियंस का बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसे में जब पार्लियामेंट चल रहा है तो ये अनिवार्य बनता है, ये ज़रूरी बनता है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, हम सबको उनके दुख उनके दर्द में शामिल होना चाहिए। और इस पूरे सदन को, पार्लियामेंट को एक अपील करनी चाहिए कश्मीर के अवाम से, लोगों से, बच्चों से, नौजवानों से, कि वो अमन और शांति बनाएं, शांति बहाल करें, और ताकि हम सब मिलकर उनकी खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए, उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर पाएं। मेरे ख्याल में ये इस तरह की आवाज़ इस सदन से जानी चाहिए, इस तरह की आवाज़ इस अपील इस पार्लियामेंट से जानी चाहिए, यही हमारा मकसद था ये मांग करने का। और कितना ही और उसके साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी गए तो ठीक है, आप एक दफ़ा हो आए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका अनाउंसमेंट भी अगर आज अच्छा हो जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा तो सब MPs अपना अपना प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उनको ढूंढना मुश्किल होगा। आज और कल के अंदर अगर इसी सदन में ये अनाउंसमेंट हो जाए डेट की ऑल पार्टी की, ये ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ भी हो जाए, कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग वहाँ कश्मीर चली जाए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर। मुझे और भी खुशी हो गई, जो बात उनको चीफ मिनिस्टर थे जो समझ में नहीं आई, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बात समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।